तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ बांग्लादेश के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। दूसरे मैच होने वाला है बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 1 मार्च को इंडिया टाइम के साथ दोपहर के 2 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच के लिए जाएगी शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में। अब बात करते हैं फैन दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो रिसेंटली अगर बांग्लादेश की बात करें तो जहां 5 में से 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम इंग्लैंड की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही तो 1 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे बांग्लादेश 4 मैच जीत के आ रही है तो इंग्लैंड 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे इंग्लैंड आगे चल रही है 2 मैच से। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे बांग्लादेश का 70% देखने को मिल रहा है तो इंग्लैंड का 30%। एवरेज स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का 208 है तो इंग्लैंड का 257 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का 303 है तो इंग्लैंड का 346 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश का 112 है तो इंग्लैंड का 142 है। तो ये नए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी तो सन्नी रहेगी, 27.8 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 65% देखने को मिल सकते हैं, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच पे टोटल अभी तक 116 मैच प्ले किए गए हैं जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में इस पिच पे काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे चेस करनी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस पिच पे जितने भी अभी मैच खेले गए हैं रिसेंटली में अधिकतर मैच डिफेंड में विन हुई है। तो यहाँ पे टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बैटिंग चूज करें। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का परफॉर्मेंस की बात करें तो पहली टीम बांग्लादेश की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर रिसेंटली अगर मैच में देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड की, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट यहाँ पर इंग्लैंड को थोड़ी सी अपना बैटिंग सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बांग्लादेश है अभी। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा, दोनों जी जान लगा सकती है फर्स्ट मैच जीतने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेगा, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम बांग्लादेश के की प्लेयर की बात करें तो लिटन दास, साकिब अल हसन, तमीम इकबाल, मुस्ताफिजुर रहमान। वहीं दूसरी टीम इंग्लैंड के की प्लेयर की बात करें तो जॉस बटलर, डेविड मलन, मार्क वुड, मोइन अली। तो ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।